आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने कुछ जिलों में हुई घटनाओं के मामले में रविवार शाम तक पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा। कहा, कार्रवाई ऐसी हो बने मिसाल। सीएम योगी ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने के भी दिए स्पष्ट निर्देश। गोरखपुर, नेपाल व आसपास के अन्य जनपदों में गाड़ियों की चोरी कर उनका कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गुलरेहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिल, 2 चार पहिया वाहन किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पो में बैठाकर धोखाधड़ी से गहना ले लेने वाले गैंग के 2 सदस्यों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, बेचे गए गहनों से 13,700 रुपया किया बरामद, भेजा जेल। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जनपद में 53 केंद्रों पर यूपीपीसीएस का परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 24,655 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 14,526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में किया प्रतिभाग। 10,129 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और नवीन महेवा मंडी में आलू प्याज के दामों में आई भारी गिरावट। आढ़तियों ने कहा, मंडी में आलू व प्याज बिक रहा है 16 रुपए किलो तक, बिक्री है धीमी।